वाला ज्यादा अटैच है. ईद लुक का मेकअप ट्यूटोरियल मतलब सही है ना, मतलब बड़ी लैशेस की बट अच्छी लग रही है पता है. ईद है यार. So guys, it was like 40-45 something और अब 1-2-3-4 सिर्फ 4 रह गए. Assalamualaikum everyone and welcome to another brand new vlog. Finally it's Eid. आप सबको भी ईद मुबारक. अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप लोगों की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की हो, मेरी भी की हो. आमीन 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 आमीन. तो इसी के साथ मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन व्लॉग स्टार्ट होने से पहले ये फ्यू क्लिप्स हैं जो अब्दुल वासे ने ली थी मेरे लिए, तो मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ. और उसमें एक ऐसी भी क्लिप है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, वो तारा और सितारा के साथ मेरा लास्ट मोमेंट था. मैं काफी टाइम उनके साथ बैठी रही थी, रात में मैं नहीं सोई हूँ क्योंकि मेरा रूम और वो लोग बिल्कुल साथ साथ ही थे, तो आवाज आ रही थी उनकी और वो लोग बार बार बुला रहे थे, तो मैं जाके बैठती थी उनके पास और टाइम स्पेंड करती थी. सो ये क्लिप्स देख लो, उसके बाद हम अपना जो है ना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं. क्या नमाज के लिए जा रहे हैं क्या? कितना पीसफुल है सब कुछ है ना. छोटे बच्चे भी हैं. इस तरफ से लो ना. इस तो अभी हम ईद की नमाज पढ़ के घर वापसी जा रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ गए हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह और ईद की नमाज हो गई माशाल्लाह. अब लोग कुर्बानी करेंगे, जो लोग कुर्बानी करेंगे मतलब थोड़ा सा देर के अंदर, बाकी इंशाल्लाह सबको ईद मुबारक. सबको ये लोग ठीक है मतलब सही है. लोग में ना पता नहीं चलता क्या बोले क्या नहीं. सोई हूँ ठीक है, मैं थोड़ी देर सोती हूँ फिर उठ जाती हूँ क्योंकि ये मेरा बेबी बहुत आवाजें निकाल रहा है. ठीक है, ये वाला ज्यादा अटैच है. ये वाला ज्यादा अटैच है और ये वाला मेरा रूम है. ठीक है, तो मेरी गलती है, मैंने इसको अपने से ज्यादा वो कर लिया है और मेरा दिल दुख रहा है कसम से. मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं अब कभी भी कुर्बानी का जानवर नहीं घर लेकर आने वाली. ठीक है, बहुत अटैचमेंट हो जाती है, कसम से बहुत अटैचमेंट हो जाती है. उससे इतनी नहीं है बिकॉज वो थोड़ा खड़ूस है, लेकिन ये जो है ना प्यार करने वाला है. और आप लोगों ने शुरू से ही देखा है वीडियोस पिक्चर्स में, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था और इसको पप्पी दी थी तो इससे मुझे वो पप्पी बैग दी थी और मेरा तब से इस पे दिल था. और अभी देखा ना आप लोगों ने मुझे कैसे हाथ लगा रहा था, तो मैं जैसे ही थोड़ी देर देख ली कैसे खा रहे हैं आगे के वो पैर करके आवाजें निकालना स्टार्ट कर देता था. क्या हुआ क्या हुआ तारा? कुछ तो उतारे शायद. क्या हुआ तारा? अब जाकर समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कुर्बानी होती है ऐसा होता है. जब आप अपने जानवर से प्यार नहीं करोगे, अटैच नहीं होगे ना, वो जो आंसू गिरते ना आपके इनके मैं करने से, और ये वो आप रियलाइज करते हो कि ये लोग आज हैं कल नहीं होंगे ऐसे, तो फिर समझ आती है कि ओके दिस इज हाउ इट इज. इसलिए मैं बोलती हूँ अभी मैं सिर्फ 3 दिन इनको रखा ठीक है, और मैं उस वाले से अटैच हो गई. उनका सोचो वो जो छोटे से बड़ा करते है. ओ माय आई कैन नॉट. मैं ये सोच के इतना वो करती थी कि यार लोग कैसे अपने जानवर के साथ अटैच हो जाते हैं, इनको तो पता है कि कुर्बानी होनी है फिर भी अटैच हो जाते हैं. अब समझ में आ रही है, वो बोलते ना अपने पे जब बीतती है ना फिर पता लगता है. ऐसे ही है
अभी भी आवाज़ें निकाल रहे हैं, लेकिन मैं बार 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 जाती हूँ, बार बार बाहर जाती हूँ, बार बार बाहर जाती हूँ, बिकॉज मैं रात भर नहीं सो पाई. ये मेरा रूम है ना, ये पीछे ही है ये लोग. अच्छा. मैं नहीं सो पाई हूँ. जस्ट लाइक ओके. ऐसा बहुत बड़ा दिल होना चाहिए पता है, अपने जानवर को पाल के एंड देन कुर्बानी करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए. सो सैल्यूट टू दोस्त जिन्होंने छोटे से बड़ा किया. मुझे तीन दिन में इनके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी, रो रो के आंखें सुजा लिए. मैंने वो रोने वाले पार्ट्स कोई भी नहीं लिए व्लॉग में, बिकॉज मैं अभी वो यूज टू नहीं हूँ ना, वो वाली व्लॉगिंग की जो यूजुअली आप लोग देखते हो, जो कैमरा ही बंद नहीं होता रो रोते हुए भी. तो वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी मुझे लगता है. मतलब अगर मुझे लगता है मुझे अगर सब्सक्राइबर 7 लाख करें ना, तो मुझे ये रोना पीटना आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो 7 लाख होने से रहे. तो अगर काश मैं वो रोना धोना आप लोगों को इस वाले व्लॉग में दिखा दे, 7 लाख तो पक्का हो जाते. लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग दिस, बिकॉज 7 लाख करवाने ऐसे प्योर दिखाऊंगी, रियलिटी दिखाऊंगी, तो आप लोग तो करोगे ही नहीं यार. आप लोगों को तो मसाला चाहिए होता है, मतलब रोना धोना ये सब चाहिए आप लोगों को. जो फेस है ना, वो फेस लिफ्ट लगना चाहिए, लाइक इस तरीके से लगना चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए. सो यू विल स्टार्ट विथ इधर से, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, ऐसे पर ऊपर जाना चाहिए, फेस लिफ्ट लगना चाहिए. दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप. ओके, आपको अपने फेस को जो है ना, मतलब ये करना बहुत जरूरी है. मेरे को भी सीखना पड़ेगा यार, सीख लगे छोड़ो, ठीक है. मैं अपनी ब्रोज इतनी बनाती नहीं हूँ, बिकॉज मेरी ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल ठीक है. सो क्या लेती हूँ मैं, मस्कारा लेती हूँ, आई जस्ट यू नो ब्रश इट, तो वो बिल्कुल मस्त जो है सेट हो जाती है. ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी करने की, वो हो गई है. अब हम अपना मेन चीज आईलाइनर लगाएंगे, बिकॉज उसी से ही जान आएगी. आईलाइनर इज द मेन थिंग, फुल फोकस करें, ठीक है. एक मेरा अगर मुंह अजीब सा बने ना, तो उसकी वो मत लेना. क्या बोले, स्क्रीन शॉट. ओके, इधर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, इजी वे बता रही हूँ. ठीक है, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लो. ठीक है, दोनों लाइनें एक जैसी हैं. हाँ, और अच्छा, बाहर से ऐसे अंदर करके लेके आना होता है, फुल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, आ रहे हैं जो बिल्कुल गोल्डन आर लुक होता है ना, उस लुक पे जा रहे हैं. सो उसके लिए ना हम अपनी स्किन को ना थोड़ा ग्लॉसी करेंगे. मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करना है, रुको. यार मुझसे क्यों नहीं होता यार, ये ऐसे हाथ कांपते हैं यार. ठीक है, मस्त लग गया. आई एम नॉट डूइंग दैट कैटी आईज, बिकॉज यूजुअली मैं वही खटी एंड यू गाइज आर सो यूज टू इट. विल गिव यू अ क्या बोलते हैं, ब्रो चेक किया करो कि आंखों पे कैसा लग रहा है. एंड इट विल लुक लाइक दिस. आई थिंक इट्स टू ड्रामेटिक. सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक है. But this is Eid hai yaar. So what do you all think? सही लग रहा है, नहीं लग रहा मेरे को, तो सब सही लगता है ना, इतनी बड़ी बड़ी लैशेस की, बट अच्छी लग रही है पता है, बिकॉज ईद है यार. ईद पे हैवी नहीं करूंगी तो कब करूंगी, क्या लगता है. आई सी अगर मेरे पास कुछ और ऑप्शन है तो. ओके गाइज, आई गो विद दीज लैशेस, ठीक है, ये फुल है. अच्छा, ये करने से पहले ना मैं ऐसे भी लैशेस नहीं लगाने वाली. आपने जो है ना आई आई मैं आपको पता क्या बोलते हैं, प्राइमर, आई प्राइमर, और ये प्रोटेक्ट करता है आपको आपकी लैशेस गिरने से. सो कभी भी इस तरीके से मत लगाना अपनी आई लैशेस, वरना वो वाइट वाइट दिखेगा. मस्कारा लगा कर लैशेस लगाना. आई डोंट थिंक सो आई नीड लैशेस, बट इट्स ईद यार, यू हैव टू बी अ लिटिल ड्रामेटिक. ओके, तो ये मस्कारा लग गया, लेकिन अभी आप लोगों ने लैशेस नहीं लगानी, अभी इसको सेट होने देना है. अभी हम अपना पाउडर साफ करेंगे, रुको. ऐसे ओके, ठीक है भाई, बहुत टाइम लगता है यार मेकअप शेकअप में ना. ठीक है, इससे आपका मेकअप कहीं भी भागेगा दौड़ेगा नहीं. मैंने नीचे किया ही नहीं था,
तो इधर जो है थोड़ा आई शेडो लगाना लाजिम है, शाइनी लुक आएगा. सो दिस इज अ स्टिक, ठीक है, इट विल गिव यू अ शाइनी, क्या बोलते हैं, शाइनी लुक. सो इसको ना ब्लश लगाने से पहले आई एम पुटिंग इट, सो आप इस पे लगा लो इसको, देखो इससे ज्यादा ये वाला लुक आएगा थोड़ा सा, ये है ना. देखा, सो इस तरीके से आएगा ये. डू द सेम थिंग ओवर हियर, दिख रहा है? दिख रहा है यार. यार मेरे को ये सीखना पड़ेगा यार, कोई तो लड़की वाले ऐसे लगाना, इस तरफ मत लगाना, उससे फेस लिफ्टेड नहीं लगता, चबी चबी लगता है. सो यू पुट द ब्लश ओवर हियर अच्छे से, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस पार्ट इसको इस तरीके से आ गया, ठीक है. मेक श्योर सिर्फ नोज की टिप पे नहीं लगा रहे हो आप लोग, पूरी नोज पे मतलब लगाना, वरना सामने से देखने से अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना. वाव यार, इतना लुक आ गया ना. ओके, सो नाउ वी आर पुटिंग द लैशेस. अच्छा, लैश ग्लू लगाकर ना आप लोगों ने फॉरन लैशेस को नहीं लगाना होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा सूखने देना होता है एंड देन लगाना होता है. सो इट्स लाइक आपने ये लैश पे ग्लू लगाया एंड देन जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड एंड शीशे की मदद से नीचे देखना है एंड देन टिप से स्टार्ट करना है फ्रॉम हियर एंड देन इसको इधर लास्ट में चिपकाना है जहाँ आई लाइनर आ रहा है, ठीक है. सो योर आई विल नॉट लुक हुडेड, इट विल लुक फॉक्सी. नीचे की तरफ मत चिपकाना, ऊपर की तरफ चिपकाना ताकि आई फॉक्सी दिखे. एंड देन प्रेस इट अ लिटिल बिट. कितनी इजी लगा ली यार, इससे पता चलता है कि अलीजे का हाथ कितना यूं सेट हुआ हुआ है मेकअप करने में, हर एक स्टेप करने में. यूजुअली आई डोंट लाइक फुल लैशेस, मुझको हाफ लैशेस ही अच्छी लगती हैं, बट कभी कभी लगाने के लिए इट्स ओके. सो यू नो अगर आपने मस्कारा नहीं लगाया होता आपका ये फिनिशिंग लुक नहीं आता, वो वाइट वाइट सा दिखता, ठीक है. लग गई. इन दिस पेंसिल आई एम नॉट यूजिंग द वाइट पेंसिल, अभी सुबह के टाइम पे वो अच्छी नहीं लगेगी, सो आई एम यूजिंग दिस पेंसिल ताकि मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगे. सही है, देखो इस तरीके से लग रही है आंखें एंड देन लग रही है ना पटाखा. बस देख गुरु नहीं क्या कभी गुरु मजाक कर यार. चलो अब अपने बाल ठीक करते हैं, बालों पे बहुत टाइम लगने वाला है. बालों पे कोई भी हीट प्रोडक्ट लगाने से पहले यूज दिस हीट प्रोटेक्शन, ठीक है, तो इससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे. देख मुझे क्या करना चाहिए, सो आई एम गोइंग विद क्या बोलते हैं स्ट्रेट, क्योंकि मैंने अभी काफी टाइम से बालों को फुल स्ट्रेट नहीं किया है. सो आई एम गोइंग विद द स्ट्रेट, लेट्स सी कैसे काम कैसे लगते हैं. ऊपर से ब्लो ड्राई वाला जो है लुक दूंगी मैं, कुछ इसी तरीके से करते हैं. कितने घंटे लगे होंगे यार रेडी होने में. दिस इज माय ड्रेस और मैंने अपने बालों को जो है ना स्ट्रेट किया और उसे बहुत ही सिंपल नॉर्मल सा छोड़ा है. अब हम लगा रहे हैं लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए मैं आउटलाइन दूंगी डार्क से और नीचे टिंट लगाऊंगी, दैट्स इट. हम लिप्स को ऐसे ही रखेंगे बस लगाएंगे. It's like very nicely. Wow, यार कितना फर्क पड़ता है एक एक मेकअप प्रोडक्ट से. मैंने लिप टिंट लिया था, आप लोगों को याद है राइट, उस दिन जब मैं मॉल गई थी तो मैंने वाला लिप टिंट लिया था. सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस. सो हम अपने लिप्स को कुछ इस तरीके से रखेंगे आज, ठीक है. मेरा मेकअप हो गया डन गाइस, लुक आप देख सकते हो. थोड़ा लूज है बिकॉज मैंने वेट्स बहुत ज्यादा लूज कर लिया है, बट इट्स ओके, अब क्या ही कर सकते. सो
बताना मुझे मम्मी का कैसा है, मस्त एकदम बहुत प्यारा लगेगा इसके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। यस दिस वन इज ये वाला। सो हम ये वाली झुमकियां पहनते हैं। वाओ यार, ये वाले बहुत प्यारे लगे। ठीक है गाइस, ये मेरा फाइनल लुक है और ये मेरा ड्रेस कुछ इस तरीके का लग रहा है। मामा दिखाइएगा पूरा। ठीक है, ये मुझे थोड़ा लूज है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लूज है, लेकिन अभी टाइम नहीं है ये सब वो करने का, लेकिन हम इसको कर लेंगे बाद में। ठीक, लेकिन ये मेरा फाइनल लुक है। मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अपने दुपट्टे को कुछ इस तरीके से कैरी किया है और अभी हम इतना तैयार होकर जो है गोश्त बांटने के लिए जाइए, मतलब वाह। और क्या, और कुछ कमी पेशी तो नहीं है मामा? मेहंदी का रंग दिखा। मैंने हिना का जो वो है ना मामा, नेल का कलर चेंज किया था, कैसा अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, वाइट इतना अच्छा नहीं लग रहा था ना। मेकअप ठीक हुआ है? हाँ, अच्छी लग रही है। आज मैंने मेकअप ट्यूटोरियल भी दिया है लोगों को। हैं। और मैंने हाथ में ना ये जो मेरी पास चूड़ियां थी ये पहनी है और इधर जो है मैंने वॉच पहनी है। बाकी ये झुमकियां मेरी बहुत पुरानी है, मैं पाकिस्तान से लेकर नहीं आई थी। पाकिस्तान वाली जो थी ना वो सूट नहीं करी थी इतनी, तो मैंने अभी ये पहना, अभी बस पिक्चर्स ले लिया। बंदा चूड़ियां बहुत प्यारी लग रही है। सच्ची, थैंक यू। अब हम जा रहे हैं, ठीक है, गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आई थिंक हम लेबर कैंप वगैरह जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम लोगों ने जिस तरीके से बनाए हैं ना शॉपर्स, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। हम लोग हमेशा जो है ना ब्लैक कलर के शॉपर में, मतलब वो पीसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हिस्सा करते हैं, और वो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं उन लोगों के पास जाए जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, जिनको ज़रूरत है, जैसे कि लेबर्स हो गए और जो नीडी वंस हो गए उनको। सो लेट्स गो। रिश्तेदारों को मैं भी कल देने के लिए जाएंगे, जो भी होगा आप लोगों को दिखा देते हैं। है पप्पा बिल्कुल रेडी ओए होए डोन। और वो कहा है, वो शॉपर्स वगैरह कहा है, मुझे दिखाने थे इन लोगों को। ठीक है, सो ये है, तो वो अभी हम जब ये इन्हें लेकर जाएंगे तो ये बेटा ये ना देखो मैं खराब नहीं होंगे। बाहर इतनी गर्मी है ना, तो ये देखो ये जो है बेटा ये हाथ लगाओ, फॉरन वो हो जाएंगे ये तो। नहीं बेटा फॉरन नहीं होंगे। अच्छा, एक घंटा लगेगा इनको डीप फ्रीज होने में ना, तो एक घंटे के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह बांट देंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेबर कैंप? ये हाँ बेटा, ये इससे लेबर कैंप के हैं, ये इससे लेबर कैंप के हैं, ये सारे लेबर कैंप के हैं। ओके, और ये हमारे अजीज रिश्तेदार जो लोग हैं, ये उन लोगों के रिश्ते और इनके ये तो साले हमारे जिगर हैं। तो अब्दुल वासी भी आ चुका है और हम इसके अब्दुल वासी पहले ये वाली रखो बेटा, आप रखो सारे पहले। हाँ ओके, नीचे ये रखो, ये ज्यादा ठंडे अच्छा तरह क्विक करो बेटा। वही हम एक एक करके लेके जाते हैं तो ये वो हो जाते हैं। तीन हिस्से करने होते हैं, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का, एक हमारा। अच्छा, हमें सबसे छोटा थोड़ा वाला मिलता है। हाँ, हम मतलब तीन हिस्से करो। अच्छा। मतलब अगर ऐसा है कि 40-45 केजी है गोश्त, हाँ। तो 15-15 केजी मतलब करना पड़ेगा। 15 केजी अपने लिए रखना पड़ेगा, 15 केजी बांटना पड़ेगा और 15 केजी रिश्तेदारों को देना, मतलब सब इक्वल। और बेटा ये मुसलमानों के लिए एक दीनी फरीजा है, इसको हम कहते हैं सुन्नते इब्राहिम। बाबा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कैसा हुआ कि तुम लोग लेकर आए जानवर, उसको प्यार किया और फिर उसी को ज़िबा कर दिया, उनको मैं कैसे समझाऊं? मैं वही बता रही ना, सबका अपना कल्चर होता है यार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी सबसे चहेती चीज को कुर्बान करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी सबसे चहेती चीज क्या थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे, उनके बेटे, उन्होंने इस ख्वाब में नजर आया अल्लाह की तरफ से हुकुम है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके गए। जब आपके गले पे छुरी फेरने लगे तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुकुम दिया कि इस्माइल को हटाओ और दुम्बे को वहां पे ले जाओ, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए, दुम्बे की कुर्बानी हम पे वाजिब और फर्ज हो गई। इन लोगों को समझ में नहीं आता, इनको कितना समझाया मैंने। नहीं देखो मसला क्या है, उनको पता नहीं है ना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है। तो ये तो बेटा बाबा अगर अल्लाह ना करे उस वक्त गुम्बा नहीं आता
तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान होते, तो हर घर में जो लड़का पैदा होता वो कुर्बान होता। अच्छा आप दोनों ने ब्लू ब्लू पहने, तो गाइस पहले जो हमारी एरिया की मतलब जहाँ कैफेटेरिया है, हमारी ग्रोसरी वाले अंकल है, हमारे क्या बोलते हैं धोबी है, उनको दे देते हैं क्योंकि वो लोग भी वो लोग डिजर्व करते ज्यादा। तब ये बंद है मेरे खाने, हाँ शायद बंद है बाबा इनका भी। ये आयुष, ये आयुष को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा हाय बोलो। सो गाइस हमें इधर एक तालाबाद राइडर भी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, गोश्त लोगे कुर्बानी का? गोश्त लोगे कुर्बानी का? आधे दे हो रे, दे 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 जब्बू, दे दो बेटा बात को। कुछ होना देना चाहिए जिन जिनका हक है, पता है तालाबाद राइडर्स और लेबर्स, आप लोग भी जो है ना मतलब अपने लोगों को देने के बाद ऐसे लोगों को ज्यादातर दिया करें। पप्पा का वी मत प्रोडक्ट प्रोवाइडर। अच्छा लगा होगा, इट वॉज नॉट दैट मच बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हाँ मैं आप लोगों को ब्लॉग बना कर दूँ। अब मैं दो तीन दिन के बाद ही आऊँगी बिकॉज ईद इज ओवर। आई थिंक हम कल अगर कुछ करेंगे तो मैं ब्लॉग बना दूंगी। बाकी आई रियली होप कि आपको मेरे ईद के ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। लव यू ऑल सो मच, मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। लेट्स मेक 700K एज सून एज पॉसिबल। मेरी बर्थडे पे 700K का गिफ्ट दे दो यार मुझे कसम। ठीक है गाइज, वी हैव वन मंथ सो यस वी कैन ट्राई। बाकी लव यू ऑल सो मच। एक महीने में हो सकता है ना, पर अलीजा की आवाज अजीब नहीं लग रही थी लास्ट में तो बोल रही थी। पर यार देखो मैंने हमेशा ये चीज बोली है, मुझे ये चीजें पर्सनली पसंद नहीं है, बट हर किसी का अपना कल्चर होता है, हर कोई अलग अलग चीजें मानता है करता है, तो जिसको जो करना है करो, मैं उसमें वो नहीं होती। पर पर्सनली मुझे ये चीजें नहीं पसंद, मैंने हमेशा यही बोला है। तो आज उनके अबू ने समझाया कि वो मतलब क्या होता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आया, मेरे को ज्यादा फिर भी नहीं समझ आया। तो अब तक क्यों कुर्बानी करते, उस टाइम उन्होंने की तो की, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, पर मैं इस सब चीजों में नहीं बढ़ूंगी। और अलीसे का मेकअप अच्छा लग रहा था, है ना, ड्रेस और मेकअप पूरा ऐसे, मेरे को ऐसे लगता है मेरे को सीखना पड़ेगा यार, जरूरी है लड़कियों के लिए। बट हाँ देख के अच्छा लगा इंडिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।